हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा वर्सेस गूगल कैमरा। यानी मैं यहाँ पे बताऊंगा रियलमी 2 में अगर आप स्टॉक कैमरा से फोटो लेते हैं और रियलमी 2 में अगर आप गूगल कैमरा से फोटो लेते हैं तो कौन से कैमरा में ज़्यादा अच्छा फोटो आपको देखने को मिलता है, कौन सी कैमरा में ज़्यादा अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट है, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी कैमरा रियलमी 2 के लिए सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है तो इस वीडियो को देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो के एंड में मैंने कॉन्क्लूसन पार्ट रखा है, जिसके जो देखने के बाद शायद आपका जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो सकता है। अगर आप कॉन्क्लूसन पार्ट को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, शायद आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है। तो वीडियो को देखते रहिए। कुछ ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पहली सैंपल शॉट के बारे में। तो आप सारी ये दोनों पिक्चर देख रहा है, दोनों पिक्चर के अंदर जो लेफ्ट साइड का पिक्चर है वो मैंने स्टॉक कैमरे से शूट किया हुआ है, जो राइट साइड का पिक्चर है वो मैंने अपना गूगल कैमरा से शूट किया हुआ है। आप यहाँ पे क्लियर एक डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रियलमी का स्टॉक कैमरे से मैंने शूट किया था उसका जो पिक्चर है वो ज़्यादा वाइड एंगल है। अगर मैं कंपेयर करूँ गूगल कैमरा को तो गूगल कैमरा में बहुत ज़्यादा पिक्चर जूम के आई है। अगर आप ध्यान से पिक्चर को देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिख जाएगा कि बहुत ज़्यादा वाइड एंगल है रियलमी 2 एज़ कम्पेयर टू द यहाँ पर गूगल कैमरा का पिक्चर से। इस पिक्चर में अगर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को मैंने क्लिक किया था आज सुबह एकदम 5 बजे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सनलाइट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आकाश में जो बादल आपको दिख रहा है वो रियलमी 2 में काफ़ी ज़्यादा शार्प है और आपको गूगल कैमरा में ये बादल एकदम से दिख नहीं रहा है। पूरा जो स्काई है वो वाइट हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर इसका मतलब ये निकला कि गूगल कैमरा में जो यानी रियलमी 2 में जो स्टॉक कैमरा है उसमें आपको काफ़ी अच्छा डायनामिक रेंज देखने को मिलता है, पर यहाँ पर रियलमी 2 में अगर आप गूगल कैमरा इंस्टॉल करते हैं और उससे फोटोज़ कैप्चर करते हैं तो आपको डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छे से देखने को नहीं मिलता। अगर इस सैंपल शॉट को हम लोग जूम करते हैं तो जूम करने के बाद कुछ ऐसा आता है। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि रियलमी 2 में जो जूम है, रियलमी 2 में जूम करने के बाद जो पिक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा हस्ट आउट है, यानी काफ़ी ज़्यादा ब्लरी है। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या कुछ लिखा है, पर एज़ कम्पेयर टू द स्टॉक कैमरा, गूगल कैमरा में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेलिंग देखने को मिल जाता है। तो अगर आप डिटेलिंग से फ़ोटोज़ को कैप्चर करना चाहते हैं तो यह आपके लिए गूगल कैमरा बेस्ट ऑप्शन है, पर गूगल कैमरा में ज़्यादा अच्छा फोटो आपको देखने को नहीं मिलता। अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट सैम्पल शॉट के बारे में। आप आपके सामने स्क्रीन में दो पिक्चर्स हैं और ये जो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा में है, तो आप सारे सोच रहे हैं ये पिक्चर कब कैप्चर करी होगी। ये पिक्चर मैंने कैप्चर करी है आज ही सुबह के 5 बजे में, क्योंकि ये पिक्चर इतना ज़्यादा डार्क इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने सनलाइट में यहाँ पर जो स्काई है उस स्काई में फोकस किया था और स्काई में फोकस करने के बाद गूगल कैमरा और रियलमी का जो स्टॉक कैमरा है ये दोनों ये काफ़ी अच्छे से डायनामिक रेंज कैप्चर कर चुका है। पर फिर भी एक चीज़ आपको साफ यहाँ पर दिख रहा है, जो लेफ्ट वाला इमेज है वो गूगल कैमरा का है और जो राइट वाला इमेज है वो यहाँ पे रियलमी का स्टॉक कैमरा में है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि स्टॉक कैमरा का फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन भी है और ज़्यादा वाइड एंगल से कैप्चर भी किया है, और अगर आप गूगल कैमरा को देखते हैं तो यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिक्चर डल भी लग रहा है और यहाँ पर कुछ कलर कंट्रास्ट आपको एकदम से देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब गूगल रियलमी 2 के जो स्टॉक कैमरा है उसमें आपको शैडो का जो कि सैचुरेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सैम्पल शॉट के बारे में। यहाँ पे तो क्लियर विनर है भाई रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा, क्योंकि रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा में अगर आप पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल पिक्चर कैप्चर किया है रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा ने। पर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कलर कॉन्ट्रास्ट की, तो इन दोनों में कलर कॉन्ट्रास्ट आपको शायद सेम लग रहा होगा, पर दोनों में कलर कॉन्ट्रास्ट सेम नहीं है। जो गूगल कैमरा का कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो बस का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है गूगल कैमरा में। गूगल कैमरा तो इसीलिए फेमस है क्योंकि उनका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो सबसे अच्छा है। पर इन दोनों सैंपल शॉट को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे डायनामिक रेंज का बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि गूगल कैमरा में जो डायनामिक रेंज है वो एकदम से वाइट हो चुका है, यहाँ पे आसमान कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जो आसमान है रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा में, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा डायनामिक रेंज आपको देखने को मिल रहा है और वो हस्ट आउट नहीं है गूगल कैमरा की तरह। तो यहाँ पे भाई क्लियर विनर है रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा, पर यहाँ पे जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो सबसे अच्छा है गूगल कैमरा में।
अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सैम्पल शॉट के बारे में। तो नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भाई क्लियर विनर गूगल कैमरा है। ये इसका रीज़न मैं इसलिए बताता हूँ गूगल कैमरा क्लियर विनर है, क्योंकि ये जो घर का कलर है ये एक्चुअल में जो गूगल कैमरा में आपको जो कलर्स दिखाई रहा है वो वैसा ही है, और रियलमी 2 में जो कलर्स यहाँ पर कैप्चर हुआ है वो थोड़ा हास्ट आउट लग रहा है, पर यहाँ पर जो रियलमी 2 में या गूगल कैमरा में रियलमी 2 का गूगल कैमरा जो कलर कैप्चर हुआ है वो काफ़ी सही है, एकदम एक्यूरेट लग रहा है। और उसी के साथ अगर आप पीछे की स्काई को देखते हैं, दोनों ही इमेज के पीछे के जो स्काई देखते हैं उस स्काई में आपको जो ब्लूइश कलर देखने को मिल रहा है वो एक्यूरेट है गूगल कैमरा में, पर यहाँ पे जो रियलमी 2 में स्टॉक कैमरा है वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ है, वो ज़्यादा ब्लू हो चुका है। पर यहाँ पे फिर से वही आप चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो दोनों सैम्पल शॉट है दोनों सैम्पल शॉट में रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल है, इसी के लिए ये काफ़ी एरिया को कैप्चर कर चुका है एज़ कम्पेयर टू द गूगल कैमरा। तो इसमें क्लियर विनर है भाई गूगल कैमरा। तो हम लोग बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट कैमरे में मैंने एक सेल्फी क्लिक किया था, इस सेल्फी का सैंपल आपके सामने है, और भाई सेल्फी में मुझे एकदम से कुछ डिफरेंस महसूस ही नहीं हुआ। अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो राइट वाला इमेज है वो रियलमी टू का गूगल कैमरे से है, और जो लेफ्ट वाला इमेज है वो रियलमी 2 का स्टॉक कैमरे से है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो रियलमी 2 का गूगल कैमरा में जो स्किन टोन है वो एक्चुअल नेचुरल है, पर यहाँ पर जो रियलमी 2 का जो स्टॉक कैमरा है वहाँ पे स्किन टोन थोड़ा बहुत हास्ट आउट लग रहा है मुझे। एक्चुअल पर्सनल प्रेफरेंस पे ये डिपेंड करता है कि कौन कैसा स्किन टोन पसंद करते हैं। तो ऐसे में दोनों ही पिक्चर का जो डायनामिक रेंज है ये एकदम से मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि दोनों ही एकदम हास्ट आउट है, और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी एकदम से सिंपल है। तो यहाँ पर आप इन दोनों में कोई क्लियर विनर नज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये एकदम से सेम ही है। अभी हम लोग बात करेंगे पोर्ट्रेट शॉट। दोनों ही कैमराज में आप काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट सेल्फीज़ कैप्चर करते हैं। तो ये जो पोर्ट्रेट सेल्फी के अंदर भाई क्लियर विनर है यहाँ पे रियलमी 2, क्योंकि इसका रीज़न एक ही है भाई, क्योंकि रियलमी 2 में जो ब्लर है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, पर यहाँ पे गूगल कैमरा में जो ब्लर है वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक लग रहा है मुझे, पर यहाँ पे रियलमी 2 में जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफ़ी सही है एज़ कम्पेयर टू द रियलमी 2 स्टॉक कैमरा। तो यहाँ पे एक प्लेस में गूगल कैमरा विनर होता है, एक प्लेस में स्टॉक कैमरा विनर होता है, पर ओवरऑल क्वालिटी और ओवरऑल इमेज मुझे स्टॉक कैमरे की इसलिए अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे एज डिटेक्शन का काफ़ी ख्याल रखा गया है। अगर आप इस सैम्पल शॉट को जूम करके देखते हैं इस सैम्पल शॉट की तरह, तो आपको मिल जाएगा कि दोनों ही इमेजेस में आपको एकदम से यहाँ पे बैकग्राउंड का जो कि एजेस है ये एजेस अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो स्मार्ट एजेस है वो यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक कैमरा और गूगल कैमरा दोनों में, पर एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक कैमरा और गूगल कैमरा के जो कि वर्ड था उस वर्ड में, तो यहाँ पे रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा काफ़ी अच्छे से विनर हो चुका है। तो आपने शायद पूरा वीडियो देख लिया होगा। अभी आप आए हैं कॉन्क्लूसन पार्ट में, और जहाँ पे मैं बताऊँगा मेरा खुद का ओपिनियन। तो पूरा भाई ये जो वीडियो में आपने देखा, तो यहाँ पे एक बात साफ है कि यहाँ पे क्लियर विनर है भाई रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा, क्योंकि यहाँ पे रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा में आपको काफ़ी अच्छा फीचर्स मिलता है। जो पहला फीचर्स मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाइड एंगल शॉट्स मिलता है, यानी वाइड एंगल मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं, पर यहाँ पे आपको वाइड एंगल शॉट्स मिलता है। पर अगर आप यहाँ पे देखते हैं गूगल कैमरा में, तो आपको यहाँ पे वाइड एंगल नहीं मिलता, काफ़ी ज़्यादा जूम होकर यहाँ पे पिक्चर कैप्चर होता है। अभी मैं आपसे बात करूँगा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है भाई कलर कॉन्ट्रास्ट, जो कि स्टॉक कैमरा में ज्यादा अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को नहीं मिलता, पर आपको गूगल कैमरा में बहुत अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। और जो लास्ट में मैंने आपको सेल्फीज दिखाई, जो बोके इफेक्ट्स दिखाए, जो पोर्ट्रेट शॉट्स दिखाए, उस शॉट्स के अंदर यहाँ पे क्लियर विनर रियलमी 2 है, क्योंकि रियलमी 2 में भी आपको स्मार्ट एजेस एंड एज डिटेक्शन अच्छे देखने को नहीं मिले थे। पर यहाँ पे फिर से भी मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि गूगल कैमरा का जो ब्लर है वो भी कुछ आर्टिस्टिक टाइप का लग रहा है, और उसका जो बोके इफेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली वोट कर रहा हूँ रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा से। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप डेलाइट फोटोज लेते हैं, तो रियलमी 2 का स्टॉक कैमरा यूज़ कीजिए, यही मुझे बताना था। सबसे बड़ी बात कि रियलमी 2 का इंडोर लाइटिंग कंडीशन और लो लाइट कंडीशन में मैं वीडियो ला रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वीडियो इसके बाद पोस्ट हो जाएगी। वीडियो इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे वीडियो अगर आप मेरे चैनल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।